गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमें पढ़ेगा डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए टा गोटे जेनेटिक मटेरियल बोली हमें जानिबा केमिति। फर्स्ट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। हाउ वी नो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल बोली कौन केम जानिबा ना, जेनेटिक मटेरियल इज द केमिकल दैट फॉर्म्स जीन्स। जेनेटिक मटेरियल टा गोटे केमिकल जे की जीन तैयारी करता है। एंड इट वाज द मैटर ऑफ डिबेट और डाउट अमंग द बायोलॉजिस्ट दैट व्हेदर डीएनए और प्रोटीन सर्व्स एज द जेनेटिक मटेरियल। एटा गोटे आजिका दिन रे एटा गोटे कोन होईची ना तर्कर विषय पलटी जाईची जे प्रकृत रे डीएनए टा गोटे जेनेटिक मटेरियल ना आउ किछ। तो माइंड को हम माइंड को बहुत समय आसी डीएनए हम बॉडी भीतर डीएनए जति की फंक्शन करछी प्रोटीन भी ताठू अधिक फंक्शन करछी। तो व्हाई नॉट प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल व्हाई डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट डीएनए एंड नॉट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बाय डिफरेंट बायोलॉजिस्ट एंड सच एक्सपेरिमेंट्स आर द एविडेंसेस टू प्रूव डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। बुझे होची। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को जदी हम देखिबा को टाइप रो एक्सपेरिमेंट हम पाई परिबा। फर्स्ट होची मिस्की एंड रिस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट होची मिस्की एंड रिस एक्सपेरिमेंट। तीन टाइप रो एक्सपेरिमेंट हम पाईबा। फर्स्ट होची मिस्की एंड रिस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट होची मिस्की एंड रिस एक्सपेरिमेंट। सेकंड टा होची कोनो वेयरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट और तक मंती बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन एक्सपेरिमेंट। एंड तीन नंबर टा होची ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये तीन टाइप रो एक्सपेरिमेंट हम माइंड को रहउची। जोटा बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन एक्सपेरिमेंट ताको हम अलगा भाषा रे हम कहि थाउ वायरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट बोली मध्ये हम कहि थाउ। तो मिस्की एंड रिस एक्सपेरिमेंट को हम जतले जीवा फर्स्ट स्टार्टिंग रे मिस्की एंड रिस एक्सपेरिमेंट हला। तो मिस्की एंड रिस एक्सपेरिमेंट को हम जीवा फर्स्ट एठी कोन होउची देखिबा। मिस्की एंड रिस एक्सपेरिमेंट कोन हला ना से कौन कहले द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मिस्की एंड रिस इट वाज द फर्स्ट एविडेंस दैट गिव्स अस द पॉसिबिलिटी ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का जेनेटिक मटेरियल बोली प्रथम पॉसिबिलिटी हम किसी मिली थिला। द मेड अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रो डिफरेंट सेल्स माने कलेक्ट करथिले एंड परफॉर्मड बायोकेमिकल एनालिसिस। तार बायोकेमिकल एनालिसिस समान करथिले एंड एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन केते परिमाण रो डीएनए अछि आ केते परिमाण रो प्रोटीन अछि तार कंडीशन से देखैथिले। दे कुड एबल टू पॉइंट आउट दैट से कोन पाइले द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट। डीएनए रो अमाउंट ता कांस्टेंट रहला अमंग डिफरेंट सेल्स सब सेल मान को भीतर डीएनए रो नंबर ता कांस्टेंट रहला बट द अमाउंट ऑफ प्रोटीन वेरी फ्रॉम सेल टू सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। किंतु गोटे मतलब सेल भीतर प्रोटीन लो मात्रा जते अछि आउ के सेल लो प्रोटीन लो मात्रा चेंज हला ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म हम सदी लक्ष्य करू। सो से फर्स्ट नेले कहा का नेले एठी डीएनए नेले आउ किछ प्रोटीन को नेले वेरियस ऑर्गेनिज्म रो वेरियस ऑर्गेनिज्म मानन करू। डीएनए नेले किछ प्रोटीन नेले किछ। सो डीएनए रो मात्रा आउ प्रोटीन मात्रा से चेक कोले धरने सी नेले जे तीनटा ऑर्गेनिज्म को नेले ता भीतर नंबर ऑफ डीएनए से देखले एई जगह रे अछि मेबी अलग माने आमे धरिबा नने एठी होची फर्स्ट जनरेशन रे 10 अछि डीएनए से तार सेकंड जनरेशन रे सही 10 होइला थर्ड जनरेशन रे सही 10 होइला कि एठी तार फर्स्ट जनरेशन थिला 8 सेकंड जनरेशन रे 12 होइला थर्ड जनरेशन रे 9 होइला। तो डीएनए नंबर इज कांस्टेंट फॉर ऑल जनरेशन एंड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म ऑल ऑर्गन नॉट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म सॉरी डीएनए रो कंडीशन ता सेम रहला गोटा ऑर्गेनिज्म तेतर वेरियस कोण जेनरेशन टू जेनरेशन हम जते शो करिया पे जाउछु तार डीएनए रो कंडीशन ता सेम रहला किंतु प्रोटीन रो कंडीशन ता वेरी कला। तो एठी से कोण जान पाले द नंबर ऑफ डीएनए ऑलवेज कांस्टेंट। सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जे की पास करछि गोटे
जेनरेशन लो आमरे जेनरेशन को सेम नंबर मेंटेन करछि पास कला बेलकु सो सेइ से कोन जानले सिंस द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट पॉसिबिलिटी डीएनए सरफेस द जेनेटिक मटेरियल तो जेहेतु डीएनए रो नंबर ता समान मिलला तंकर डीएनए ता जेनेटिक मटेरियल बोले हमें जानिबा को पाइबो। नेक्स्ट हमें देखिबा कोन ये गला मिस्सी एंड रिक्स एक्सपेरिमेंट गला। नेक्स्ट हमें देखिबा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अब ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कोन बुझिबा दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट तो मिस्की एंड रिक्स एक्सपेरिमेंट रे प्रूव करले जे डीएनए टा उटा जेनेटिक मटेरियल बोली। नेक्स्ट कंडीशन में प्रूव करबा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कोन देखिबा द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय ग्रिफिथ एंड कंडक्टेड बाय आवेरी मैक्लेड एंड मैकटी। तो केते जन ता भाग लेथिले ग्रिफिथ लेथिले आवेर लेथिले मैक्लेड एंड मैकटी लेथिले सो एक्सपेरिमेंट रो नाम होची ग्रिफिथ आवेरी एक्सपेरिमेंट वाज को आ जाय थाय। It is the strongest evidence in view of DNA as the genetic material. It had a strong view thila DNA ta genetic material boli and the experiment was conducted over mouse by using bacteria. Hala mouse upre korai thila experiment bacteria ko use kariki jo bacteria thila tar naam hunchi diplococcus pneumoniae namako bacteria. Ko bacteria na diplococcus pneumoniae namako bacteria ko use korai thila mouse der use korai thila to diplococcus pneumoniae has two different strain di type of strain show korthila गोटे स्ट्रेन रो नाम होची कोनो S3 आ गोटा होची R2 ए बी टाइप रो स्ट्रेन दिया है कहर ना बैक्टीरिया रो स्ट्रेनिंग टेक्निक सु डेटा दि टाइप रो स्ट्रेनिंग मिलतला। S3 होची कैप्सुलेटेड एंड वायरुलेंट। S3 ता थिला कैप्सुलेटेड एंड वायरुलेंट कंडीशन आउ R2 ता थिला नॉन कैप्सुलेटेड एंड अवायरुलेंट अवायरुलेंट ए दिटा कंडीशन को मिसतिला। कैप्सुलेटेड और वायरुलेंट मींस हार्मफुल टू अदर ए जो कंडीशन टा अन्य पे हार्म पहुंचेबो ये कंडीशन नॉन कैप्सुलेटेड आ कोन रहलाटा अवायरुलेंट ये केबे अन्य प्रति कंडीशन कोन चेंज करया पठाइबो नि किछि कि असुविधा किछि पठाइबो नि बा असुविधा किछि करैबो नि तो से कोन कहउछि S3 इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज। S3 टा डिजीज कॉजिंग कथाई एंड डेथ ऑफ माउस हला S3 टा डिजीज कॉजिंग करथाई आउ माउस रो डेथ करै थाई व्हेयर इज R2 कैन नॉट कॉज डिजीज एंड रिमेन हार्मलेस एवं R2 टा कोनसी डिजीज कराय नाही एवं हार्मलेस कंडीशन रे रहि थाई। सो दे कंडक्टेड फोर सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट सेठी कोन हला चारि सेट रो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा गला। कोन कोन से एक्सपेरिमेंट टुडा आमे देखिबा के जे ताबरिन को द्वारा हेतला चारि सेट रो एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट सेट कौन थिला माउस को फर्स्ट कौन दिया ला माउस को कौन दिया ला S3 दिया ला। S3 टा कौन थी वायरुलेटेड कंडीशन थिला आउ कौन थिला कैप्सुलेटेड कंडीशन वायरुलेट आउ कैप्सुलेटेड कंडीशन सो से हार्म कंडीशन को आनिबो को आंसर कौन हला तार मिलला तार ना डेथ ऑफ माउस मिलला। सेकंड कंडीशन कौन हला माउस को कौन दिया ला R2 दिया ला आटू देला माउस टा लिविंग कंडीशन ले रहिला। थर्ड रे कोन कराला माउस को कोन हीट करकी S3 दियाला हीट सहित S3 दियाला मिलला कोन ना लिविंग कंडीशन मिलला हैला। तो हीट किल S3 तो ए जो हीट टा दियाला ए एटा होची हीट रो चिन्ह हीट टा जो दियाला ए हीट टा S3 रो कंडीशन को मारी देला एवं फाइनल कोन रिजल्ट देला लाइव कंडीशन में मिलला। एवं फोर्थ रा हम कोन करले आउट कंडीशन माउस सहित S3 देले माउस सहित देन S3 सहित देले R2 हम तो देले एटी पंचो न मरिबो ना एठी तो कंडीशन होती ले भी देखो जेटा देले भी ये देउतला को ये ले भी देखुला बट ए कंडीशन कोन होबो ना डेथ ऑफ माउस डेथ इज होला डेथ ऑफ माउस सो करिवो से। सो ए जो चारि टाइप रो कंडीशन देखेले कंडीशन हम कोन पाइले ना अकॉर्डिंग टू एवेरी एवेरी को हिसाब रे डेथ ऑफ ए बैक्टीरिया अकर्स एट अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस रे बैक्टीरिया टा मरि जाउची व्हेयर एज द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया कैन विथस्टैंड अप टू 80 डिग्री सेल्सियस हला किंतु बैक्टीरिया रो जो डीएनए अछि से 80 डिग्री पर्यंत बची पारुची। सो से कोन होउची कंडीशन ए कंडीशन हिसाब रे
कौन होटे लिभौच कंडीशन भले लक्ष्य करता हूँ एस थ्री देखो डेट कर माउस लाइफ कंडीशन रोचे माउस सहित डेल एस थ्री देखो लाइफ कंडीशन रोचे कि हवा जगह कौन हो माउस टा डेथ कर तो सही जो कंडीशन को मेंटेन करने कौन कर देख कहीं हूँ से कंडीशन टा कार लास्ट कंडीशन टा कहीं शो कर ना जिते बटा गोटे बैक्टेरिया टाइटा तो बैक्टेरिया डीएनए टा रही है जगह दिखाई डेल एस थ्री दिखाई डेल एस थ्री दिखाई तो एस थ्री कंडीशन से लाइफ कंडीशन रही कौन केवल कौटा मरी जाता बैक्टेरिया टा मरी जाता बट बैक्टेरिया डीएनए टा 80 डिग्री पर्यंत बची पार जेहतु सी कौन है डीएनए ट्रांसफर कला क्या पाक ट्रांसफर डीएनए टा कला डीएनए ट्रांसफर कला आ भर कला कहार ना जहाँ कंडीशन होता ना आर टू जहाँ देहर कंडीशन दिखाई माउस जो माउस को आर टू कंडीशन दिखाई यार डीएनए टा आपको ट्रांसफर है कहार डीएनए डेल एस थ्री प्लस माउस कंडीशन डीएनए टा कौट गला ना प्लस माउस कंडीशन को पड़ेगा डीएनए माउस गुटे अच्छी माउस को बारंबार लिखा ना तो एस थ्री डेल एस थ्री कंडीशन आर टू कंडीशन को डीएनए टा ट्रांसफर है कौन है जेनेटिकाली ट्रांसफर से कौन है गेट जेनेटिकाली जेनेटिकाली ट्रांसफर ट्रांसफर्म है कौन कहले से एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कले कहले कौन ट्रांसफर है ना डीएनए टा ट्रांसफर होगा डेल एस थ्री रु आर टू पाक ट्रांसफर है तो इट इज कंक्लूडेड दैट हमें कंक्लूजन ले कौन पाइलु ना सम अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एस डेल एस थ्री बॉडी रु किसी परिमाण रो डीएनए बाहरी आसला एंड दैट डीएनए गेट्स एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी ऑफ आर टू बॉडी भीतर से एब्जॉर्ब होई के रही गला एज ए रिजल्ट कौन है आर टू गेट्स जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म एंड कॉजिंग डेथ ऑफ माउस एवं एई जो आर जो एस थ्री रो जो आसीला कंडीशन टा ताको आर टू पाक आसीगला तो आर टू को इनफेक्टेड कला एवं माउस टा धीरे 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 एस थ्री ता कंडीशन को सो कला माउस देह रे फलर माउस टा मरी गला सिंस डीएनए कैरी आउट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टू सो इट शुड बी द जेनेटिक मटेरियल थैंक यू स्टूडेंट्स एई तो आमी